हर आदमी खुद को खुश करने में लगा है। महाबलेश्वर जाना है, शिमला जाना है, कम से कम मॉल में, थिएटर में, होटल में जाना है। लेकिन खुश रहने का सबसे बढ़िया फार्मूला है कि किसी को खुश करें। और ये बेजुबान प्राणियों को खुश करोगे तो उनकी भूखी पेट को भरने की तृप्ति से जो तरंग मिलेगा वो आपके जीवन को विभिन्न प्रकार से खुश कर देगा। मछलियों को गुरु ग्रह का अंश माना गया है और हम नवरात्रि में कलश स्थापना जल भर के करते हैं, क्योंकि जल से ही देवता उत्पन्न होते हैं और जल में ही विसर्जित होकर समाहित होते हैं। उस जल में रहने वाले मछलियाँ विष्णु के अवतार का अंश भी मानी जाती है, जो पहला अवतार है 10 अवतारों में विष्णु का। और ये छोटी प्राणी होने से बहुत छोटे से दाने से इसका पेट भर जाता है और ये तृप्त हो जाती है। बड़े आदमी को पूरा भोजन करा के जो तृप्त करते हो, 4 आटे की गोलियों से ये तृप्त हो जाती है। और मछलियों को गुरु ग्रह का भी अंश माना गया है। अगर अपमान हो रहा है जीवन में, समाज में अपकीर्ति हो रही है, कोई काम करो सफल नहीं हो रहा है, आजकल घर घर में मछलियों का टैंक रख के लोग मछलियों को पालते हैं। विश्व के सभी देश मछली पालने को मानता है, क्योंकि मछली पालना घर में सबसे शुभ माना गया है। और मछलियों को दाना डालना अत्यंत शुभ इसलिए माना जाता है क्योंकि बहुत छोटे से आहार से वो तृप्त होती है। पेट कितना बड़ा है ये मायना नहीं रखता कर्म सिद्धांत में, वो तृप्त हुआ या नहीं ये मायना रखता है। और ये मछलियां जब तृप्त होती है तो आपके जन्म कुंडली में गुरु प्रसन्न होते हैं और गुरु सभी ग्रहों को बलवान करते हैं। इसलिए मछली तृप्त होती है तो गुरु बलवान होते हैं, और गुरु बलवान होते हैं तो आठों ग्रह, कोई भी नीच हो, कोई भी दुख हो, वो सभी ग्रह स्वयं सहयोग करने लगते हैं। मछलियों को दाना डालते समय ये ध्यान रखना कि उनकी तृप्ति का तरंग हमारे जीवन में लौट के आता है। हम दाना डाल के उनको उपकार नहीं कर रहे हैं, उन पर उपकार नहीं कर रहे हैं, हमारे जीवन में खुशियों का द्वार खोल रहे हैं। अगर जीवन में प्रगति चाहने वाले लोग गुरु ग्रह नीच का होने के कारण या गुरु शत्रु भाव में होने के कारण परेशान हैं तो जरूर मछलियों को दाना डालें। जब मछलियाँ दाना लेगी हमारा जीवन शुभ होगा। आप देख रहे हैं हमारे आश्रम में, इस कुएं में ये सभी मछलियाँ विष्णु का अवतार बन के घूम रही है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप जितने भी लोग वीडियो देख रहे हो, इन मछलियों को दाना डालने का ये जो कार्य मैं कर रहा हूँ, इसका पुण्य वीडियो देखने वालों को पहुँचे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। उनका सबका कल्याण हो, ऐसी मेरी भावना है।